नमस्कार, मैं हूं खुशी पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। फिलहाल वक्त हो चला है देश और प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। सुल्तानपुर के पुलिस अधीक्षक अरविंद चतुर्वेदी ने पुलिस कार्यालय में जनता की समस्याओं को सुना। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने सभी की समस्याओं को सुनकर उनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया। सुल्तानपुर में यूपीएससी परीक्षा 2019 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के पूर्व छात्र सर्वेश मिश्रा असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर चयनित हुए हैं। आपको बता दें कि सर्वेश मिश्रा ने पहले भी साल 2010 में हाई स्कूल परीक्षा में यूपी बोर्ड में चौथा स्थान बनाकर इतिहास रच दिया था। सुल्तानपुर में जिलाधिकारी रविश गुप्ता ने कलेक्ट्रेट में मौजूद अपने कक्ष में जनता दर्शन का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने वहां आए सभी फरियादियों की समस्याओं को सुना, साथ ही उनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया। अमेठी में कांग्रेस नेता और साहित्यकार जगदीश पीयूष का कल यानी शुक्रवार की रात को निधन हो गया। वे 71 साल के थे। आपको बता दें कि बीते दो हफ्तों से जगदीश बीमार चल रहे थे। उन्हें मुंशीगंज में मौजूद संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। अमेठी के पुलिस कार्यालय सभागार गौरीगंज में अपर पुलिस अधीक्षक दयाराम सरोज ने जिले के थानों पर नियुक्त बाल कल्याण अधिकारी के साथ गोष्ठी की। इस दौरान उन्होंने बाल संरक्षण से संबंधित विधिक प्रावधानों, लावारिस बच्चों और बाल बालिकाओं के भिक्षावृत्ति की रोकथाम समेत कई अन्य बातों पर चर्चा कर कुछ जरूरी बातें भी बताई। अमेठी में जिलाधिकारी अरुण कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में कर करेत्तर राजस्व वसूली और राजस्व कार्यों की एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने बैठक में परिवहन, आबकारी, विद्युत, व्यापार कर, नगर निकाय समेत अन्य विभागों के राजस्व वसूली की समीक्षा की, साथ ही कम वसूली वाले विभागों को प्रगति में सुधार लाने के निर्देश भी दिए। अमेठी में डीएम अरुण कुमार ने जिला अस्पताल में पहुंचकर कोविड वैक्सीन लगवाई। इस दौरान जिला अस्पताल में जिलाधिकारी के साथ एडीएम, एसडीएम ने भी कोविड टीकाकरण करवाया। इसके साथ ही हेल्थ केयर वर्कर के टीकाकरण के बाद द्वितीय चरण में फ्रंट लाइन वर्करों के साथ टीकाकरण का काम भी शुरू किया गया। अयोध्या में डीआईजी दीपक कुमार ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। इतना ही नहीं, इस दौरान वहां अन्य पुलिसकर्मियों ने भी पुलिस लाइन में कोरोना वैक्सीन लगवाई और बताया कि वैक्सीन लगवाने के बाद वो सभी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अयोध्या में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी त्रिदंडी जी महाराज के नेतृत्व में बिरला धर्मशाला में हनुमानगढ़ी तक रामराज श्री हनुमान छत्री यात्रा निकाली गई। वहीं इस दौरान हनुमानगढ़ी के गद्दी नशी महंत प्रेमदास जी महाराज को छत्री समर्पित की गई। इतना ही नहीं, इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी त्रिदंडी जी महाराज ने तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष रमेश बाबू को हिंदू रत्न सम्मान देने की घोषणा भी की। बहराइच में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विहीपुरवा में पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्रवण कुमार मदेशिया और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनुराग वर्मा ने फीता काट कर कैंटीन का शुभारंभ किया। इस दौरान वहां मौके पर कई लोग मौजूद रहे। बहराइच में जिलाधिकारी शंभु कुमार ने कोरोना का टीका लगवाया। वहीं टीकाकरण के बाद उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि यह कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित और सेफ है। उन्होंने बताया कि इस वैक्सीन के लगवाने के आधे घंटे बाद वो ऑब्जर्वेशन में थे और वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उन्हें किसी भी बात की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। प्रतापगढ़ के थाना अंतु में कटका मनापुर में विश्वनाथगंज क्षेत्र के विधायक डॉक्टर आर के वर्मा ने फीता काट कर पेट्रोल पंप का शुभारंभ किया। इस मौके पर क्षेत्र के विधायक और उत्तर प्रदेश के मंत्री ने वृक्षारोपण भी किया। रामपुर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि भाजपा के बूथ सेक्टर संयोजक हारून खान के आवास पर भाजपा जिलाध्यक्ष अजय गुप्ता ने बैठक की और भाजपा कार्यकर्ताओं को कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।